बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं अपनी विचारधारा पर कायम हूं। कई पार्टियों ने बीजेपी के साथ समझौता करके घुटने टेक दिए। लालू ने बीजेपी को सबसे बड़ा दुश्मन बताया और कहा कि अगर मैं झुक जाता तो मुझे इतने दिन जेल में नहीं रहना पड़ता। मैं झुक जाता तो सारे इतना जेल में नहीं रहना पड़ता और पैसा आता नहीं। इस मौके पर लालू के साथ शरद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। लालू ने आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में कहा कि मैं जल्द ही नीतीश कुमार से मुलाकात करूंगा, इसके बाद मैं दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मिलूंगा। राहुल गांधी की यात्रा के बाद मैं राहुल से भी मुलाकात करूंगा। 2024 में हम बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे। मीडिया ने इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2024 में 40 सीट महागठबंधन को जिताना है। अगर हमारे कंधे पे जिम्मेवारी मिली है, हमारा लक्ष्य 2024 है कि 40 में से 40 हम महागठबंधन के लोगों को चुनाव जितवाएं, तो जब तक आप शक्ति जमीन पे रहने वाले कार्यकर्ता पदाधिकारी को नहीं देंगे, तब तक आपको अपने लक्ष्य।